करिए। जाहिद बेग है इधर से, कौन बोलेगा इधर से? आप बोलेंगे अध्यक्ष जी? नहीं शुरू कर दो यार। अध्यक्ष जी मैं बिहार राज्य आपसे कहना चाहता हूँ, बैठिए। मुख्यमंत्री द्वारा ऐतिहासिक दूरगामी बजट बुटोर पेश किया, उसका मैं समर्थन करता हूँ। 8 जून को बजट सत्र के पहले दिन भाजपा के साथियों ने बहुत जिस तरह से व्यवहार किया है, पुराने भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी सदन के वरिष्ठ नेता है, आपके आने का परंपरागत रास्ता रोककर थोड़ा प्रदर्शन किया है। लोकतंत्र के इतिहास में संसदीय परंपराओं के लिए एक कलंक दिन माना जाएगा। मानवर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाना चाहिए, अच्छे कामों का भी सदन में बात कही जानी चाहिए। भाजपा के साथियों ने अच्छे कार्यों में कामयाबी भी नजर आती है, इसे तत्काल अपने चश्मे बदलवा लेना चाहिए। साथियों विरोध पद के साथियों ने अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, जिस साथियों ने जिस पार्टी के प्रतिनिधियों ने उन समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्क नजर आता है, समाजवादी पार्टी की सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है। आज अपने चुनाव वादा घोषणा पत्र में घोषणा किया था, लैपटॉप कन्या विभेदन बेरोजगारी भत्ता हमारी बेटी उसका कल आदि लोकप्रिय योजनाओं को उन्होंने कार्य किया। इस बार बजट सत्र में समाजवादी पार्टी ने नौजवानों विद्यार्थियों मजदूरों शहरियों व्यापारियों सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ काम किया है। समाजवादी पार्टी अपने मूल दर्शन समाजवाद के सबसे अंतिम गरीब झोपड़ियों में आग जलाने की बात करती है। मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा है कि झोपड़ियों में रहने वाले मोची को भी हम मुफ्त जमीन देंगे और घर देंगे। माने नहीं तो नहीं बात सुन ली। बजट में बिजली सड़क पानी का भी भरपूर व्यवस्था की गई है। विरोधी दल के लोग केवल कानून व्यवस्था के सवाल पर आज सदन में हुल्ला मचा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप राज्यों की तुलना जब लोग करते हैं तो उत्तर प्रदेश की तुलना भी दूसरे प्रांत से करना चाहिए, जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है। ये तो है इनका। मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में रेप 9.7%, छत्तीसगढ़ में रेप 8.4%, दलित के साथ 3.2%, दिल्ली में जो कांग्रेस साथी भाजपा दोनों का राज चल रहा है वहां पर रेप 8.3%, राजस्थान में 6.2%, हरियाणा में 5.6%, झारखंड में 5.2%, उत्तराखंड में 3%, और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा बसपा और कांग्रेस में हल्ला मचा रहे हैं वहां पर सिर्फ 2% है जो हल्ला मचा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ साथ अमान्य जी, आज मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य में जो गुजरात बॉर्डर की जो बात करते हैं, गुजरात 17 नंबर पर है, छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश 14 नंबर पर है, महाराष्ट्र 15 नंबर पर है और उत्तर प्रदेश 26वें नंबर पर है। ये रिकॉर्ड हमारा नहीं है, ये रिकॉर्ड सरकार का रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने निगाह बाहर में जाकर रखे। आज जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ साथियों, बड़े दुख की बात है कि जिन पलटकार की बात करते हैं विधानसभा के अंदर, नहीं कहना चाहता हूँ, आप के माध्यम से भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग का रिकॉर्ड देख लीजिए, भाजपा के 86 सांसद रेप मर्डर और संगीन अपराधों में 86 सांसद जीत गए हैं।
इस मंजर इसमें इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। आज सब अटल जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नहीं अभी बहुत सी बातें हैं, मुकदमे चल रहे हैं। एक इनके केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेहरान, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टीवी मीडिया बन रही है, जिनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा अदालत में चल रहा है। ये लोग बलात्कार की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जी गए इनके चले गए पूर्व आपका एक राधा जी एक ही रहेगा आपका वो पूर्व वित्त मंत्री राधा जी, जिसको अपने नौकर के साथ अपील व्यवस्था किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुकदमा है। और हिंदी में बात नहीं करना चाहता हूँ, जिसको असभ्य व्यवस्था किया थे अपने नौकर के साथ, आपके भाजपा के पूर्व मध्य प्रदेश के मंत्री ने गलत काम किया है, इसका मुकदमा काम है। अपने निगाह अपने अंतर्धान के देखिए, भाजपा के लोगों ये बहुत परिश्रम की रात है। गौरी शंकर आज भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने लोकायुक्त जांच करने का आदेश दिया है, ये आप भाजपा के साथ कहना चाहता हूँ। आज शर्म करने की बात है, गुजरात जिसकी तारीफ लोग करते नहीं सकते, आज गुजरात के अंदर 2012 के चुनाव में 57 विधानसभा के सदस्य अपराधी मामलों में मुकदमा चल रहा है, ये बात कहना चाहता हूँ। आज इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं आज मैं आंकड़ा लेके आया हूँ, और अगर किसी को जिसने मैं नाम लिया है मैं चैलेंज करता हूँ, उनके ऊपर मुकदमा काम है, अगर चुनौती देना हो तो भाजपा के लोगों मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आज भाजपा की नेता इधर उधर देख रहे हैं, हर मामले में टांग अड़ा रहे हैं, अदालत की बात भाजपा के नेता रात में सपना देखना शुरू कर दिए हैं। माननीय सदस्य कि जिस तरह एक मेरी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि भाजपा जी इनके वोट देता है, ये मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। आज जिस तरह सदन में घेरा है माननीय संजीव कार्यमंत्री ने, जिनके नाम पर वोट मांगते हैं उनके भी नहीं सुनते। आज महंगाई के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर माननीय सदस्य पूरे देश में आए हैं, इंतजार आधार मिला है। आज महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है, इससे पहले भी जो आपने वादा किया था आप याद कर लीजिए, मंदिर के नाम पर उन्होंने वादा नहीं निभाया, आज आप आए हैं कानून व्यवस्था के नाम पर, आज आप आए हैं महंगाई के नाम पर, आज आप आए हैं लाइन आजा के नाम पर, महंगाई तुरंत दीवार पर चल गई है। आओ हनक की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी हनक की बात करते हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं मैं दो बार रेल से कर 19 तारीख को मैं जा रहा था भदोही से लखनऊ से भदोही, नीलांचल एक्सप्रेस 12 घंटे दिल्ली से चली, एसी खराब बनाने वाला कोई नहीं। आज आपके ऊपर सरकार पर लगाम समाप्त हो गया है, एक महीने बीते हैं, एक महीने अपनी बात समाप्त करता हूँ, एक मिनट मेरी बात समाप्त करना चाहता हूँ। अब समाप्त करें, बात करते हैं। आज मान्य सदस्य का नाम बोलो, बसपा के लोग जो बात करते हैं, उनके तीन मंत्री अभी भी जेल में है। आइए बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, कांग्रेस के साथी बड़ा हुल्ला मचा रहे थे, कांग्रेस के साथी सुर में सुर मिला रहे हैं, आज हमारी पार्टी ने आपकी प्रदेश में जीरो होते, आज प्रदेश से जीरो होते। माननीय सदस्य जाहिद जी समाप्त करें, माननीय सदस्य मानने वाले है या नहीं है? अरे वो बैठे बैठे सदस्य महोदय बैठिए बैठे जाहिद जी बैठे बैठे
बैठे आप बैठे बैठे आप इनके बाद बोलने का आह्वान करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ सदन के अंदर और सदन के बाद सदन से बैठ जाए और जो बात आप सही कहिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए। बहुत बहुत जीएम सिंह जी।